गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम हिंदी के पाठ 6 का अभ्यास कार्य करेंगे। एक, अब बातचीत करें मौखिक। क, यह पत्र किसने तथा किसे लिखा? यह पत्र कुहू ने लिखा और किसे लिखा? उसकी सहेली मान्या को लिखा। छुट्टियों में कुहू कहाँ गई थी? छुट्टियों में कुहू अपनी मौसी मौसाजी के यहाँ वाराणसी गई थी। वाराणसी में उसने क्या क्या देखा? वाराणसी में उसने गंगा नदी, काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ देखा। अशोक स्तंभ किसने बनवाए थे? अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाए थे। सेकंड, इन प्रश्नों के उत्तर लिखित। क, अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग व निचले भाग में क्या क्या बना है? अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग में क्या बना हुआ है? पीट से पीट सटाए 4 सिंह और निचले भाग में अशोक चक्र बना है। ख, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या अपनाया है? भारत सरकार ने अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में चतुर्मुर्ख सिंह को अपनाया है। थर्ड, सही उत्तर चुने। क, अब कितने अशोक स्तंभ बचे हैं? अब कितने बचे? 17, 19, 18 या 20? 19। ख, अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग में कितने सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं? कितने खड़े हैं? 2, 3, 4 या 5? 4। ग, सारनाथ के अशोक स्तंभ का वजन है कितना है? 40 टन, 50 टन, 30 टन या 60 टन? 50 टन। ओके। फोर्थ, सही वाक्य के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाएं। कुहू छुट्टियों में मुंबई गई? क्या कुहू छुट्टियों में मुंबई गई थी? नहीं, वो तो वाराणसी गई थी। अशोक स्तंभ उत्तर भारत में स्थित है? क्या अशोक स्तंभ उत्तर भारत में स्थित है? हाँ, राइट। हर स्तंभ की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक है? क्या हर स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 40 से 50 फीट तक है? नहीं। अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग में चक्र बना है? नहीं। अशोक स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में रखा है? हाँ। अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर बना सिंह चतुर्मुर्ख हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है? हाँ। मूल्य परक प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय झंडे के तीनों रंग किसके प्रतीत हैं? ठीक है, आपको ये पता है, ये आप अपनी मम्मी पापा बड़े छोटे भाई बहन से चर्चा कीजिएगा। थैंक यू।